कॉम्प्रेशन मशीन टरेट, उसका एमओसी, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके चेंज पार्ट्स और कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और उसका फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये टरेट है जहां उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहां दिया हुआ है। तो टरेट इज द हार्ट ऑफ एनी रोटरी टैबलेट प्रेस, ठीक है। उसके फीचर है हार्डन्ड स्टील डाई टेबल, किड अपर पंच गाइड, थ्री पीस डायलॉग स्क्रू विथ स्टेनलेस स्टील थ्रेडेड एंड। और बाकी टरेट है जिसका मतलब हमको एक रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, एक्सीड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये टरेट बनना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सीड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM स्पेसिफिकेशन के साथ ये टरेट बनना चाहिए। आर मैन्युफैक्चर्ड विद हार्डन टूल स्टील डाई टेबल्स टू इंक्रीज द लॉन्गेविटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अंडरगो अवर सुपीरियर मशीन्स प्रोसीजर्स टू इंश्योर बेटर अलाइनमेंट बिटवीन पंच गाइड एंड डाई पॉकेट। तो MOC है टरेट का। MOC ऑफ द टरेट इज HG आयरन। HG आयरन मतलब स्पेराडल ग्राफाइट आयरन। इसके इस MOC से अपना टरेट बनता है। इन द मोस्ट केसेस यू मे डिवाइड टरेट इनटू द फॉलोइंग की सेक्शंस। कितने डिवाइड सेक्शंस में अपना टरेट डिवाइड हुआ है ये हमको यहाँ दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है अपर टरेट, सेकंड पार्ट है लोअर टरेट और थर्ड पार्ट है उसका डाई टेबल। तो अपर टरेट देखते हैं, सेक्शन दैट होल्ड्स द अपर पंच, जिसमें हम लोग अपर पंच लगाते हैं उसी को ये अपर टरेट कहा जाता है। तो अपर टरेट में अपर पंच लगाने का जो स्लॉट दिया गया है और उसका जो पूरा पार्ट है उसका MOC है कास्ट आयरन ऑफ ग्रेड FG 260। अपर टरेट जो है उसका MOC है कास्ट आयरन ऑफ ग्रेड FG 260। नेक्स्ट आता है लोअर टरेट, पार्ट दैट होल्ड्स द लोअर पंच। लोअर टरेट है जिसमें लोअर पंच हम लोग होल्ड होता है, मतलब टरेट होल्ड करता है और उसका MOC है कास्ट आयरन, ग्रेड है उसका FG 260। और डाई टेबल है जिसमें डाई होल्ड होता है, तो उसका MOC है SS 316 विथ L। L मतलब है लो कार्बन, L स्टैंड फॉर लो कार्बन। SS 316 मतलब ये कॉन्टैक्ट पार्ट से पाउडर के साथ कॉन्टैक्ट होता है, तो इसका पार्ट बना हुआ है SS 316 L। L मतलब लो कार्बन। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ द टरेट और उसका MOC, उसका पार्ट्स और पार्ट्स का MOC। और टरेट को कहा जाता है हार्ट ऑफ द टैबलेट रोटरी प्रेस, मतलब ये मेन बॉडी है जो कंप्रेशन मशीन की है, तो इसलिए हार्ट ऑफ द रोटरी टैबलेट प्रेस कहा गया है। तो ये था डिस्क्रिप्शन और उसका स्पेसिफिकेशन MOC। तो अगला जो पार्ट्स है जिसमें आपको मैं एक्चुअल टरेट दिखाऊंगा और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डेमो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं राम फासगे और फिर से आपका स्वागत है। और जो न्यू कमर्स है, जो मेरे फार्मासिस्ट भाई है और जो भी फार्मा रिलेटेड
पर्सन है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपके अगले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो ये वीडियो है दोस्तों जिसमें ये आपको जो दिख रहा है ये चेकनट है और चेकनट में यहाँ जो मतलब यहाँ लिफ्टिंग ट्रॉली से यहाँ स्क्रू टाइट करके यहाँ इससे लिफ्ट किया जाता है टरेट चेंज करने के लिए और यहाँ इस पोर्शन में ये सर्कुलर पोर्शन में बेयरिंग होती है जिसके कारण टरेट अपना मूव करने में हेल्प होती है। तो ये का टरेट का ये अपर पार्ट है और ये टेफ्लॉन का गाइड ट्रैक, ये आपको जो पंच अपर पंच होल दिख रहे हैं उसमें जो की के लिए स्लॉट दी है अपर पंच में ही की होती है, जैसे कि कैप्सूल शेप के लिए ये की प्रोवाइड होती है तो इसके कारण पंच की मूवमेंट मतलब पंच रोटेट नहीं होता और ये की स्लॉट में जैसे कि मतलब यहाँ इंसर्ट होगी तो उसी पोजीशन पे ये रह के डाई से अलाइनमेंट होती है। तो ये जो पोर्ट दिख रहा है ये जैसे कि थोड़ी सी स्लॉट दी गई है, ये स्लॉट होती है कि ड्यूरिंग मशीन जैसे कि अपर पंच को हमने समझ लो लुब्रिकेट किया है ऑयल से, लुब्रिकेशन ऑयल से, तो उसका जो भी लुब्रिकेट ऑयल या डेब्रीज बोलते हैं उसको जो आती है तो इसमें ही रहे, इसके बाहर आके प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेट ना करे, इसके लिए ये दी गई है। तो दूसरा जैसे कि मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ ये जो स्लॉट है ये ऑयल के लिए है और ये एसएस का गाइड ट्रैक है अपर पंच के लिए और दूसरा ये देख रहे हैं तो अपर पंच लोडिंग प्लग है टेफ्लॉन की, जहाँ यहाँ दो स्क्रू से हमको अनलॉक करके इसको निकाल के अपर पंच लोडिंग करने हैं और ये टेफ्लॉन का गाइड ट्रैक, ये भी टेफ्लॉन का गाइड ट्रैक है अपर पंच का और ये अपर पंच। तो ये टरेट का अपर टरेट पार्ट फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें जैसे कि आपको नंबरिंग भी दिख रही है, जैसे कि यहाँ 1 से स्टार्ट है, ये नंबरिंग प्लेट है उसको यहाँ स्क्रू से लॉक किया गया है, जैसे 1 से लेकर 65 स्टेशन का ये टरेट है बी टूलिंग का। तो ये नेमिंग प्लेट ये नंबरिंग प्लेट होती है स्टेशन की, तो 1 से लेकर 65 तक, ठीक है, जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके अप टू 65 तक। ये गाइड ट्रैक जैसे घुमा के दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। और ये रही नंबरिंग प्लेट, तो ये जैसे रोटेट करके मैं डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे 1 2 ये 17 18 21 अप टू द 65 तक ये स्टेशन नंबरिंग, इस प्लेट से हमको पता चलता है कि कौन सा नंबर का पंच और कौन से इसमें हमने असेंबल किया है। तो ये अप टू द 65 तक, ये 1 से लेकर ये 65 तक नेमिंग प्लेट है। तो दूसरा पार्ट है जो डाई टेबल है, ये रहा डाई टेबल और इसमें हम लोग को डाई असेंबल करनी है और डाई असेंबल करने के बाद डाई का अपर सरफेस टरेट के सरफेस से मैच होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, अगर ऊपर आया तो फिटर को फ्रिक्शन कर सकता है। तो जब भी डाई हमको असेंबल करनी है तो डाई टेबल से उसको फिंगर ऐसे मतलब घुमा के उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, डाई टेबल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं,
डायरेक्टरेट के साथ मैच होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो डाई को थोड़ा सा प्रेशर देके फिर से डायर रॉड से इंसर्ट करना होगा। ठीक है, ये रहा डाई टेबल। और दूसरी बात, ये जो यहाँ स्पेस दिख रही है ये पाउडर मूवमेंट के लिए होती है, जिसको हम लोग गैलरी बोलते हैं। तो ये गैलरी में पाउडर मूवमेंट के लिए है, यहाँ सर्कुलेशन प्लेट भी लगती है जिसको हमको पाउडर ओवरफ्लो कंट्रोल करना है। ये डाई टेबल सेकंड पार्ट ऑफ द टरेट। और जैसे कि यहाँ डाई होल भी दिख रहे हैं आपको, और ये रही गैलरी। और दोस्तों जैसे कि डाई टेबल है और डाई को लॉक करने के लिए डाई लॉक स्क्रू होता है जो 3 पीस में आता है, तो इसको एलन की से हमको लूज और टाइट करना होता है, या रिंचर होता है, रिंचर से भी हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, अगर लूज रहेगी तो ड्यूरिंग मशीन रोटेशन ये मूव कर सकती है अपनी पोजीशन, और जिससे पंच ब्रेक होने का चांसेस है। तो ये डायलॉग जब असेंबल करके प्रॉपर टाइट हुआ है कि नहीं, ये हमको प्रॉपर इंश्योर करना है। तो ये रहा डाई टेबल। ये हमको डायलॉग स्क्रू दिख रहे हैं। और ये दिख रहा है लोअर टरेट, जिसमें लोअर पंच होल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। तो ये दोस्तों दिख रहा है आपको लोअर पंच टरेट, जिसमें ये टेफ्लॉन प्लग है और ये एंटी टर्निंग स्ट्रिप है जिससे लोअर पंच टाइट किया जाता है। और लोअर पंच टाइट करने के कारण लोअर पंच नीचे नहीं गिरता है, अगर टाइट नहीं हुआ तो ये नीचे गिर के अपने जो पैरामीटर है वो विद इन लिमिट में नहीं मिलेंगे। तो ये था ओवरऑल दोस्तों तीनों पार्ट्स ऑफ टरेट, उनका डिस्क्रिप्शन और इनकी इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।